नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के लाल के बारे में, जिन्होंने एक ही जबरदस्त काम किया है। कहते हैं क्रिकेट संभावनाओं का खेल है। क्रिकेट आखिरी गेंद तक दर्शकों को अपनी भावनाओं, अपनी टीम, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ जोड़ कर रखता है। ऐसे में आज हम बिहार के ऐसे खिलाड़ी ने वह करके दिखाया है जो आज तक विश्व के किसी खिलाड़ी ने नहीं किया। आज बिहार क्रिकेट के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जुड़ गया है। आपको जानकर यह गर्व होगा कि बिहार रणजी टीम के खिलाड़ी ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, साथ ही साथ उस खिलाड़ी के नाम विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड बन गया है। रणजी ट्रॉफी में बिहार और मिजोरम के बीच खेले गए मैच में शकीबुल गनी ने वह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह अपने पहले फर्स्ट क्लास में तीसरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आपको बता दें कि गनी ने मिजोरम के खिलाफ खेलते हुए 405 गेंद में 341 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 56 चौके और 2 छक्के लगाए। गनी इकबाल अब्दुल्ला की गेंद पर तरुबर कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। इस 4 दिवसीय मैच में उनका स्ट्राइक रेट 84.2 जीरो का रहा। इनकी इस शानदार पारी के बदौलत मध्य प्रदेश के महज रोहरा का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में नवाद 267 रन की पारी खेली थी। रोहरा ने यह रिकॉर्ड साल 2018-19 में हैदराबाद के खिलाफ बनाया था। इस मैच में शकीबुल गनी और बाबुल कुमार की साझेदारी 557 रनों की रही। अगर हम विश्व क्रिकेट की तरह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वोच्चम साझेदारी को अगर हम देख लें तो कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के नाम है। श्रीलंका, इन दोनों महान खिलाड़ियों ने साल 2006 में श्री दक्षिण अफ्रीका के लिए 624 रनों की साझेदारी की थी। रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के स्वर्पिल गुगले और अंकित बावने के नाम है। इन दोनों ने 2016-17 में 594 रनों की नवाज साझेदारी की थी। शकीबुल गनी का जन्म 2 सितंबर 1999 को मोतिहारी में हुआ था। शकीबुल गनी ने इसके पहले यानी कि 14 लिस्ट ए मैच में उन्होंने 31.41 के औसत से 337 रन बनाए हैं, जिसमें कि एक शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल हैं। वहीं अगर हम T20 मुकाबलों की बात कर लें तो उनके नाम 27.27 के एवरेज में 192 रन उन्होंने बनाए हैं। फर्स्ट क्लास डेब्यू पर अगर हम सर्वोच्च स्कोर को देख लें कि किन किन खिलाड़ियों के नाम जो है वो सर्वोच्च स्कोर है, तो उनमें सबसे पहला नाम शकीबुल गनी का है और वो 341 रन है। 267 रन जो कि अजय रोहरा का है, आपने पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश के ये खिलाड़ी हैं और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़कर शकीबुल गनी ने 341 रन बनाया है। अजय रोहरा 2018 में 267 रन बनाए थे। उससे पहले अगर हम देख लें तो अमोल मजुमदार का नाम यानी 1994 में यह रिकॉर्ड जो है 260 रन का अमोल मजुमदार ने बनाया था। उससे पहले अगर हम देख लें तो बाहिर शाह, इनका नाम 256 रनों का रिकॉर्ड है जो कि रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते हुए उन्होंने बनाए थे और वह साल था 2017 का। एरिक मास के नाम 240 रन का रिकॉर्ड है और एरिक मास ने जो है 240 रन बनाए थे, यानी कि दोहरा शतक जो है अपने डेब्यू मैच में बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं। एक बार और हम इस लिस्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शकीबुल गनी का नाम है, ये बिहार से आते हैं, 341 रन इनके नाम है। अजय रोहरा, जिनका रिकॉर्ड शकीबुल गनी ने तोड़ा है, और 267 रन इनके नाम है। अमोल मजुमदार को देखें तो 260 रन इन्होंने बनाए हैं और उस साल 1994 में उन्होंने यह रन बनाया था। बाहिर शाह को अगर हम देखें तो 256 रनों की पारी उन्होंने खेली थी अपने पहले डेब्यू मैच में। इसके बाद एरिक मास ने 240 रन का यानी कि दोहरा शतक भी उन्होंने अपने डेब्यू मैच में लगाया था। शकीबुल गनी के इस रिकॉर्ड के बाद से एक तरह से कहें कि बिहार का नाम विश्व पटल पर क्रिकेट की दुनिया में एक तरह से अब देखने को मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।